तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने इसे लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ लेते हैं। चलिए थोड़ा सा अब हम बात करेंगे दोस्तों कि आखिर ये वर्ब काम कैसे करता है, क्या फंक्शन है इसका, कैसी कैसी वर्ब्स होती हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि दोस्तों वर्ब की टाइप्स क्या हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्ब। बाकी हम एडवांस वर्ब में पढ़ेंगे। अभी मैं छोटी सी आपको, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट तक पहुंचाना है आपको, इसीलिए मैं दो प्रकार की वर्ब से आपको आपकी मुलाकात करवाऊंगा। देखो दोस्तों, अगर मैं नॉर्मल लेवल पर वर्ब की बात करता हूं तो वर्ब जो है वो अलग अलग दो भागों में बटी हुई है। ठीक है, मैंने फिर बोला, मैंने कहा जो अगर हम एक सामान्य स्तर पर बात करते हैं तो वर्ब जो है वो दो अलग अलग भागों में बटी हुई है। अगर मैं उन दो अलग अलग भागों की बात करने लगूं कि आखिर वो दो अलग अलग भाग कौन से हैं, तो देखिए पहली आती है जिसे हम कहते हैं रेगुलर वर्ब, फिर दूसरी आती है उसे हम कहते हैं इररेगुलर वर्ब। ठीक है, रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब की बात अगर दोस्तों की जाए कि आखिर होती क्या है। देखो भाई, रेगुलर का मतलब होता है नियमित, इररेगुलर का मतलब होता है अनियमित। तो एक ऐसी वर्ब जो लगातार चलती जाए उसे हम रेगुलर कह देंगे, और जो दूसरी तरीके से चलती है उसे हम इररेगुलर कह देंगे। अब कुछ बच्चों के मन में आ सकता है कि सर जो रेगुलर वर्ब्स और इररेगुलर वर्ब्स हैं ये तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि वर्ब्स जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अरे भाई, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अपनी जगह काम करती है और ये वर्ब्स अपनी जगह काम करती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ऐसी वर्ब्स कौन सी होती हैं। रेगुलर वर्ब की अगर मैं बात करने लगूं दोस्तों, तो रेगुलर वर्ब को अगर मैं आपके सामने डिफाइन करने की कोशिश करता हूं, तो रेगुलर वर्ब का मतलब होता है एक ऐसी वर्ब जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के ऊपर अगर नज़र डालें तो एक ऐसी वर्ब जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाता हूं। जैसे मैं लिख के बताता हूं, मैं कहता हूं फिनिश, अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या बनाओगे, फिनिश्ड, और थर्ड फॉर्म क्या बनाओगे, फिनिश्ड। अब सबको पता है कि इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। ठीक है, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। अगर अब आप देखोगे तो इस फिनिश शब्द की सेकेंड फॉर्म किससे बनी, इस ईडी से। थर्ड फॉर्म भी किससे बनी, इस ईडी से। एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने कहा कॉपी, कॉपीड एंड कॉपीड। ठीक है, अब आप देखोगे कि इसके पीछे क्या लगा, ईडी, या फिर आप कहोगे आईईडी। देखो भाई, आईईडी तो वाई अटकर लगा है, इसका तो छोटा सा कंसेप्ट है, आप सबको पता है कि जब कभी भी किसी भी शब्द के पीछे वाई आता है तो हम उसे हटाकर आईईडी में बदल देते हैं जब हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। बोलो हाँ या ना। अरे दीवानों बोलो तो सही, अरे डर क्यों रहे हो यार, और इतना सीरियस होकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आप धीरे धीरे सभी चीज़ों को बहुत अच्छे सीख जाएंगे और समझ जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, बिकॉज मैंने पहले ही कहा ये एक कॉम्पिटिटिव लेवल है। तो कॉम्पिटिटिव लेवल है, इसका मतलब है कि आपको कॉम्पिटिटिव लेवल तक की तैयारी करनी होगी। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ स्टॉप, मैंने बोला स्टॉप, अब तुम अगर देखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्टॉप्ड। ठीक है, यहां पर भी क्या आ जाएगा, स्टॉप्ड। तो अब अगर आप देखोगे तो इस सेंटेंस में पीछे क्या जुड़ गया, ईडी जुड़ गया, पीछे क्या जुड़ गया, ईडी जुड़ गया। जबकि आपको पता है कि डबल पी क्यों लगा है, क्योंकि लास्ट अक्षर से पहले वाउल आया। ऐसे छोटी छोटी बातें बताने की जरूरत नहीं है। अब आती है सर इररेगुलर सेंटेंस की बात। अगर मैं आपके सामने इस इररेगुलर को डिफाइन करने की कोशिश करता हूं, तो इस इररेगुलर का मतलब क्या होता है। देखो भाई, इररेगुलर का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जो शायद तीनों ही फॉर्म एक जैसी लेता हो, तीनों ही फॉर्म अलग अलग लेता हूं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला गो, वेंट, गॉन, ये आपकी इररेगुलर वर्ब्स हैं। ठीक है, गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन। समझ में आ रहा है, ईट, एट, ईटन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, राइट, wrote and written।
अब ये आप देख लीजिए शब्दों का क्या फेरबदल है, ये अलग अलग शब्द हैं, ठीक है। इसकी फर्स्ट फॉर्म देखिए, सेकंड फॉर्म देखिए, थर्ड फॉर्म देखिए, एक भी एक दूसरे से मैच नहीं हो रही है, एक भी एक दूसरे से मैच नहीं हो रही है। ऐसे शब्दों को हम क्या कह सकते हैं मेरे दोस्तों, इररेगुलर वर्ब्स कह सकते हैं। हालांकि जैसे कि कुछ शब्द हैं, जिसे मैं कहूंगा कट, कट एंड कट, पुट, पुट एंड पुट, ये शब्द जो हैं वो एक जैसे दिख रहे हैं। तो अब आप यह ध्यान रखिए कि या तो जो पूरी तरीके से बदल जाए और या जो बिल्कुल भी ना बदले, उन्हें क्या कहते हैं, इररेगुलर वर्ब्स कहते हैं। इजी है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। चलिए आप लिख लीजिए इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं, मैं जानबूझकर इनको आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप यहीं से समझने लग जाएंगे तो फिर आगे की कहानी ईजी हो जाएगी, जो हमारी अधूरी कहानी है उसे समझाना थोड़ा इजी हो जाएगा दीवानों, इसीलिए मैं ये सब कुछ आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, लिखना शुरू करिए। राजवीर देखो बेटा, अगर कोई भी वर्ब बदल जाती है, ठीक है, जैसे कि गो वेंट गॉन हो गया, ईट एट ईटन हो गया, राइट रोट रिटन हो गया, ये इररेगुलर वर्ब्स होती हैं। लेकिन इनके साथ साथ कुछ ऐसे शब्द जो होते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जैसे कि कट है और पुट है, बैट है, ऐसे शब्दों को आप कभी नहीं बदल पाओगे, ठीक है ना। इन जैसे कि स्कोल्ड है, ठीक है, तो उसे आप बदल नहीं पाओगे बेटा, क्योंकि वो फिक्स रहते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, स्कोल्ड, स्कोल्ड एंड स्कोल्ड ही रहता है, फिर वो स्कोल्ड, स्कोल्डेड एंड स्कोल्डेड नहीं होता। समझ गए बेटा? रानी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, थैंक यू। लिखिए फटाफट, लिखिए, आगे बढ़ते हैं, फिर फटाफट से करिए। देखिए उम्मीद है दोस्तों आपने इसे लिख लिया होगा और आप इसे समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे की तरफ के लिए बढ़ने से पहले एक शब्द की बात कर लेता हूं, फॉल। इसका मतलब होता है नीचे गिरना, ठीक है। एक शब्द होता है फेल, इसका मतलब होता है नीचे गिराना, ठीक है। ढंग से सुनना आप मेरी बात को, कौन सी रेगुलर है कौन सी इररेगुलर है आप खुद कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। मैंने बोला फॉल एंड फेल, देखो मेरे बेटे, गिराना जो होता है, सॉरी गिरना जो होता है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल, ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल, और थर्ड फॉर्म होती है फॉलन, फॉल फेल एंड फेलन फॉलन, ठीक है। जबकि अगर हम इस फेल यानी गिराने की बात करते हैं तो फेल, फेल्ड एंड फेल्ड होती है। अब तुम ये सोचकर बताओ कौन सी रेगुलर वर्ब है और कौन सी इररेगुलर वर्ब है, जल्दी करो। देखो मुझे ये बताइए, इन दोनों में से कौन सी वर्ब है जो रेगुलर कहलाएगी और इररेगुलर कहलाएगी। ये पढ़ा आपके सामने कंसेप्ट, मैंने पूरा समझाया, उसके बाद ही आपसे बात की है। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का दोस्तों, मुझे बताइए कौन सा रेगुलर है और कौन सा इररेगुलर है। राजवीर तुमने ऊपर नीचे कर दिया बेटा। कुणाल आपने ठीक बताया है, बहुत अच्छे। रजनी आप भी ठीक हैं। रीना बिल्कुल सही। पायल वेरी गुड। मुकुंद राइट है बेटा। पवन राइट है बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है, सबके बहुत तेज़ी से कमेंट है तो मैं इसे नहीं देख पा रहा हूँ, तो आप थोड़ा
समझ जाइएगा, मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ये जो फॉल फेलन फेलन, ये अलग अलग वर्ब्स हैं, इसका मतलब ये इरेगुलर वर्ब्स हुई। अरे बोलो हाँ या ना। जबकि इसके पीछे ईडी लगा हुआ है तो ये रेगुलर वर्ब्स हो गई, ठीक है कि नहीं, समझ में आ गया, ये ध्यान रखिएगा बस। अब थोड़ी सी हम करते हैं पार्ट नंबर टू, रेगुलर इरेगुलर से आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमारे कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों क्योंकि मुझे अब आपको सब्जेक्ट पढ़ा दिया मैंने, हेल्पिंग वर्ब पढ़ा दी मैंने, वर्ब पढ़ा दी मैंने, अब मुझे बढ़ना है ऑब्जेक्ट की तरफ, और जब तक मैं ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं बढ़ जाऊं तब तक मेरा वो पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है वो क्लियर नहीं होगा, और वो फॉर्मूला अगर क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको कहीं भी नहीं पहुंचा पाऊंगा। अब ये लास्ट है और इसके बाद ये वीडियो ओवर हो जाएगी, और इसके बाद आप चीज़ों को समझने लग जाएंगे, इसके बाद आप चीज़ों को सीखने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि आगे की कहानी आप बहुत अच्छे से समझेंगे। अब जो है रेगुलर इरेगुलर वर्ब के बाद एक और वर्ब आती है, ये मैं सेकंड नंबर लगा देता हूँ, उसको मैंने फर्स्ट नंबर नहीं लगाया था, आप लगा लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। अब मेरे पास दो वर्ब्स आती हैं, दूसरे नंबर पर वर्ब्स आती हैं, जिसकी मैं बात अगर करने लगूं तो दोस्तों इस तरीके से चलेगी। एक को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इससे पहले पढ़ा था रेगुलर वर्ब और दूसरा पढ़ा था इरेगुलर वर्ब। इसके बाद एक और वर्ब भी है, इसके बाद एक और वर्ब भी है जिसे हम कहते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है, लेकिन वो एडवांस है, उसे हम एडवर्ब एडवांस में पढ़ेंगे, उसे हम वर्ब एडवांस में पढ़ेंगे। तब तक आपको जुड़ना पड़ेगा यहीं पर, ठीक है। देखिए किस तरीके से ट्रांजिटिव वर्ब की अगर मैं दोस्तों बात करने लग जाता हूं तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है एक ऐसी वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। मैंने कहा एक ऐसी वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, ठीक है, और ये जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है, ये जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है, इसका आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है, तो ये वर्ब जो होती है, ये वर्ब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये वर्ब जो होती है वो मुझे दो शब्दों से अपना ऑब्जेक्ट ढूंढने में मदद करती है। मैंने कहा ये वर्ब दो शब्दों से अपना ऑब्जेक्ट ढूंढने में हमारी मदद करेगी, और वो शब्द और कुछ नहीं ये है व्हाट एंड हुम। व्हाट एंड हुम से जो जवाब आता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ढंग से सुनना मेरी बात को, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने कहा ये ट्रांजिटिव वर्ब है जो व्हाट और हुम से अपना जवाब पीछे रखेंगी। वर्ब के ठीक बाद आने वाला ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, देखो मेरे दोस्तों ढंग से समझना, इन ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है। इन ट्रांजिटिव वर्ब की अगर मैं बात करने लगता हूं तो इन ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो अपने बाद हालांकि ऑब्जेक्ट लेती तो नहीं है, मैंने कहा ऐसी वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती तो नहीं है, लेकिन कुछ ग्रामेरियन कहते हैं कि यदि आपको इस वर्ब के बाद वेयर वाई वैन एंड हाउ का जवाब मिलता हो, मैंने बोला वेयर वाई वैन एंड हाउ का जवाब मिलता हो तो फिर याद रखिएगा तो फिर वो इंट्रांजिटिव वर्ब होंगी। एक बार फिर से वापस शुरू करते हैं, मैंने कहा ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं, और ये ऑब्जेक्ट हमेशा किससे मिलेगा, व्हाट और होम से। मैं एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो, ठीक है। यानी इस वर्ब से पूछना है तुम्हें क्या और किसको, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर बात करते हैं वेयर का, सॉरी इंट्रांजिटिव वर्ब का, जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हो लेकिन वो ऑब्जेक्ट किन शब्दों से मिलते हैं,
वेयर वाई वैन एंड हाउ। हालांकि ये हमारे सब्जेक्ट सॉरी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ ग्रामेरियन मानते हैं कि अगर इन शब्दों से मिलने वाले शब्द सेंटेंस में लिखे हों तो उसे आप ऑब्जेक्ट मानिए। जिन्हें हम इन दूसरे शब्दों में यानी ऑब्जेक्ट्स को हम अदर वर्ड्स के नाम से जानते हैं, या फिर इन्हें हम अदर वर्ड्स ना कहकर एडवर्बियल्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मेरे दोस्तों? एडवर्बियल्स के नाम से जान सकते हैं। समझ में आ गया? तो ज्यादातर अच्छा होता है अदर वर्ड्स और एडवर्बियल्स कहें। मैंने सेंटेंस के पीछे, आपको पता है, ऑब्जेक्ट के पीछे डॉट 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 लगाया था, वो डॉट 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 वाले सवाल जवाब है ये। ठीक है, अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं ताकि आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाएं और इससे कनेक्ट कर पाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, मैंने कहा शी ब्रोक द टेबल, फिर मैंने आपसे कहा वी आर राइटिंग अ लेटर। ठीक है, फिर हमने कहा सुरेश विल फिल एयरफोर्स फॉर्म। हालांकि होना तो क्या चाहिए था, द फॉर्म ऑफ एयरफोर्स, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं अभी। ठीक है, इसके अलावा यहां मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं। ठीक है, यहां पर मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं, मैंने लिखा आई लिव इन जोधपुर, फिर मैंने लिखा शी विल गो देयर, रवीना कम्स लेट। दोस्तों इन सेंटेंसों को आप लिखिए और फिर मैं इनके आंसर्स आपको ढूंढवाने में मदद करता हूं। टेक योर टाइम प्लीज। तो दोस्तों उम्मीद है आपने इसे लिखने की कोशिश करी है या अभी भी ढूंढ रहे हैं। चलिए कर लीजिए फटाफट से। 6 सेंटेंसेस हैं, आपको सिर्फ ये करना है कि कौन सी वर्ब है जो व्हाट और हुम का जवाब ले रही है, या फिर वेयर वाय व्हेन और हाउ का जवाब ले रही है। अगर व्हाट और हुम का जवाब ले रही है तो वो वर्ब कैसी होगी? ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अगर वो वेयर वाई वैन और हाउ का जवाब ले रही है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। हालांकि ये प्रॉपर वे में कोई एडजेक्टिव नहीं है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ उन्हें अदर वर्ड्स या एडवर्बियल्स कहते हैं। ये हम एडवर्ब्स में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, एडवर्ब्स जो आपको बताती हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, है ना, ये बहुत सारे हैं, कॉन्ट्रास्ट, कंसेशन, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेगी। लेकिन अभी आप यहाँ पर सिर्फ इन शब्दों का आंसर ढूंढ लीजिए, व्हाट और हुम, वेयर व्हाई व्हेन एंड हाउ का जवाब। गुड गोइंग प्रिया, बहुत अच्छे बेटा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक निकला है। जी जी जी, आपने चौथे आंसर का बिल्कुल सही जवाब दिया है। ठीक है, सॉरी, चौथे क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों कि किस तरीके से ये काम करेंगे। फर्स्ट मैं बात करता हूँ सी ब्रोक द टेबल। अब बात आती है, हमें सिर्फ हिट कहाँ करना है, वर्ब के ऊपर, वर्ब से ही पूछना है। अब हमें सब्जेक्ट वगैरह की जानकारी नहीं लेनी, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है वो हमें पता है। इसमें ब्रोक हमारी वर्ब है, इसमें राइटिंग हमारी वर्ब है, इसमें फिल हमारी वर्ब है, यहाँ पर लिव्स गो एंड कम्स हमारी वर्ब्स हैं। अब इनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं सर, सी ब्रोक व्हाट, तो तुम कहोगे सर व्हाट इज इक्वल टू द टेबल। मैं पूछूं सी ब्रोक व्हाट, तुम कहोगे टेबल।
अब जो टेबल आया है तो इसका मतलब ये ब्रोक कैसी वर्ब हुई, ट्रांजिटिव वर्ब। तो मैं इसे टीवी लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे टीवी लिख सकता हूँ? हाँ या ना बोलिए, क्योंकि इसके बाद मुझे व्हाट का जवाब मिला है। अरे भाई उसने खुर्सी तोड़ दी, और मैं कहूँ क्या तोड़ा तो तुम कहोगे खुर्सी। वी आर राइटिंग अ लेटर, वी आर राइटिंग अ लेटर का मतलब क्या होता है? वी आर राइटिंग अ लेटर। तो इस तरीके से मेरे कहने का मतलब ये है, सी ब्रोक व्हाट, तुम कहोगे सर टेबल। अब आती है वी आर राइटिंग अ लेटर, अब मैं बोलता हूँ राइटिंग व्हाट या हुम, तुम कहोगे सर राइटिंग अ लेटर, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये भी क्या हुआ मेरा, व्हाट का जवाब हुआ, और व्हाट का जवाब हुआ इसका मतलब ये भी टीवी है। अरे बोलो तो सही, हाँ या ना। सुरेश विल फिल एयरफोर्स फॉर्म, मैं बोलता हूँ सुरेश विल फिल व्हाट, तुम कहोगे सर एयरफोर्स फॉर्म, ये भी हमारा व्हाट का जवाब है, तो इसका मतलब ये भी मेरा टीवी हुआ। यानी ट्रांजिटिव वर्ब आपको ढूंढनी आ गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब किस तरीके से काम करती हैं। आई विल लिव इन जोधपुर, तो लिव, अब मुझे बताओ क्या आई विल लिव व्हाट आता है क्या? आई विल लिव व्हाट का जवाब दे सकते हैं क्या? तुम कहोगे नहीं सर, आई विल लिव व्हाट का जवाब नहीं हो सकता, है ना। अब यहाँ पर सुरेश विल फिल एयरफोर्स फॉर्म, व्हाट का जवाब आया। अब तुम कहोगे सर सारे व्हाट के ही जवाब आ रहे हैं, लगभग लगभग यहाँ तक पहुँच गए थे, आई लिव इन जोधपुर। तो मैं अगर ये बोलूँ आई लिव इन जोधपुर, तो तुम कहोगे सर ये तो व्हाट का जवाब भी नहीं है, होम का जवाब भी नहीं है। सर कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ का ना होकर यहाँ का जवाब हो, मैं जोधपुर में रहता हूँ तो कहाँ रहता हूँ, जोधपुर में। इट मीन्स ये जो जवाब आ रहा है वो मुझे वेयर से मिल रहा है, आई लिव वेयर, तो तुम कहोगे इन जोधपुर। ठीक है, तो ये वेयर का आंसर है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये वेयर है, इसका मतलब लिव जो है वो नॉन ट्रांजिटिव वर्ब हुई। अरे बोलो हाँ या ना, ये नॉन ट्रांजिटिव की जगह आप इन ट्रांजिटिव वर्ब कर दीजिए, मैंने नॉन ट्रांजिटिव लिख दिया तकाजे में, इन ट्रांजिटिव वर्ब हुई, बोलो हाँ या ना। फिर ये देखो शी विल गो देयर, अब तुम गो से पूछो गो वेयर, तो तुम कहोगे देयर। अब ये वेयर का जवाब आया तो ये भी क्या हुई, आई टी वी। रवीना कम्स लेट, मैंने बोला रवीना कम्स लेट, ठीक है, तो कम्स वैन, तुम कहोगे लेट, भाई ये वैन का जवाब है, इसका मतलब ये भी आई टी वी हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि हमें किस तरीके से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को समझना है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को इस तरीके से समझा जाता है, इस तरीके से काम किया जाता है, इस तरीके से आप ये समझें। तुम कहोगे सर एक भी हमें होम का जवाब नहीं मिला, कोई बात नहीं आ जाओ चेक कर लेते हैं। मैंने कहा बहुत छोटा लिखता हूँ, रामा किल्ड रावणा, मैंने कहा रामा किल्ड रावणा, तो अब तुम कहोगे सर रामा किल्ड, अब किल्ड मेरी क्या हो गई, मेरे बेटे वब हो गई, तो वब पूछो किसको मारा, रामा किल्ड हुम, तो हुम का आंसर आया रावणा। तो इंसान हुम से आते हैं, व्हाट निर्जीव होते हैं, इसीलिए वो व्हाट से आते हैं। निर्जीव जो का जवाब होगा, नॉन लिविंग का जो जवाब होगा वो व्हाट से आएगा। मोस्टली इंटरचेंजेबल भी है, दोनों से आंसर एक दूसरे का बदल सकता है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को समझें, अच्छे से देखें, और इस तरीके से आप इन चीज़ों को कर भी पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको मेरा फॉर्मूला जो था जिसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते थे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, फिर मेन वर्ब लगाते थे, फिर ऑब्जेक्ट लगाते थे। तो मेरे दोस्तों आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, सब्जेक्ट कौन होता है पता चल गया, हेल्पिंग वर्ब पता चल चुकी है, मेन वर्ब कितने प्रकार की पढ़ ली हमने, चार प्रकार की पढ़ ली, रेगुलर इरेगुलर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव। रेगुलर कौन सी होती है, जो अपने बाद ईडी लेती है। इरेगुलर कौन सी होती है, जिनके तीनों भाग बदले हुए होते हैं या कुछ भी बदला हुआ नहीं होता। ट्रांजिटिव कौन सी होती है, जो अपने बाद व्हाट और हुम का जवाब लेती है, और इन ट्रांजिटिव वो होती है, और इन ट्रांजिटिव कौन सी होती है, जो कि अपने बाद वेयर व्हाई हाउ एंड व्हेन का जवाब लेती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हमने वर्ब्स की फॉर्म्स को पढ़ा। एक और बढ़ गया, बच गया है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, वो हम वर्ब एडवांस के टॉपिक में लेंगे, वो अभी तक हमारे काम का नहीं है, क्योंकि मुझे आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना सिखवाना था, तो इसीलिए मैंने वर्ब की पूरी सीरीज शुरू की और आपको ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव पर लाकर रोक दिया है, क्योंकि ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव वर्ब्स ही होती हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट्स लेती हैं। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने वर्ब को कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया है, एंड आवर क्लासेस विल बी कंटिन्यू ऑन आवर गुरुज आश्रम प्लेटफॉर्म। हमारी एक एप्लीकेशन है गुरुज आश्रम एप्लीकेशन, ठीक है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, और 50% डिस्काउंट तक सारी की सारी
गवर्नमेंट प्रिपरेशन को घर बैठे तैयार कीजिए, ठीक है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि कम्प्लीटली एजुकेशनल बेस्ड एप्लीकेशन होगा। यहाँ पर हमारी टीम जो कि लगभग 20 प्लस लोगों से सजी हुई है, 20 प्लस बेहतरीन टीचर आपको पढ़ाने के लिए आएंगे, ठीक है, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सारा कंटेंट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। और उम्मीद यही रहेगी कि आप सभी लोगों का सपोर्ट रहेगा, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अब हमारे इस एप्लीकेशन का प्रमोशन करने के लिए कोई हीरो और हीरोइन तो आएंगे नहीं, तो सिर्फ मैं ही हूँ और आप लोग हैं और हमारी फैकल्टीज़ हैं जिनकी मदद कर सकते हैं आप लोग कि हमारी इस एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म बढ़ सके, हमारा परिवार बढ़ सके और हम बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए प्रयास कर सकें। और हमारा हर एक प्रयास आपकी जॉब के लिए, आपकी गवर्नमेंट जॉब प्लस आपकी लाइफ के लिए होगा, सो दैट यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन गुरुज आश्रम प्लेटफॉर्म। प्लीज़ डाउनलोड एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड इंस्टॉल अवर एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड थैंक यू।